अभी कहीं बदल। पे कैंडिडेट का नाम ओपन हुआ है किसी पार्टी का? नहीं हुआ है, तो अब चिंता क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। दानापुर से विधायक रीत लाल यादव आरजेडी के तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने यह फैसला लिया है कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से रीतलाल यादव जो है चुनाव लड़ेंगे। जब पत्रकारों ने रीतलाल यादव से सवाल किया तो सुनिए रीतलाल यादव ने क्या कुछ कहा है। क्या कहेंगे रीतलाल जी पाटलिपुत्रा सीट को लेकर, सर क्या कहेंगे? पूछिएगा तब ना क्या सुनना चाहते हैं आप। सीट को लेकर क्या रीतलाल जी आप भी चाह रहे हैं कि हम चुनाव मोबाइल से कर रहे साहब? हम नहीं चाह रहे हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। और जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना है। आप तैयार हैं सर? हम लोग पूरे पूरे पार्टी के सिपाही लोग तैयार हैं। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है सर। कहिएगा रीतलाल जी, होने की अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सीट शेयरिंग। अभी कहीं पे कैंडिडेट का नाम ओपन हुआ है किसी पार्टी का? नहीं हुआ है, अब चिंता क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा रीतलाल जी, बिना सीट शेयरिंग के पहले ही अब लालू यादव सिंबल जो है दे रहे हैं, कुछ इस पे कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है आप ही लोग पे। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस विषय पे अधिकृत उन्हीं को किया गया है, जो भी जवाब देंगे वही देंगे। अच्छा, जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, पशुपति नाराज है और अब कह रहे हैं कि हम 400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पीठ में छुरा भोंका गया है। ये मामला पशुपति पारस जी का है, हम लोग का। आप लोग के साथ आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या पारस जी? अगर आते हैं तो स्वागत कीजिएगा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लगता है पशुपति पारस के साथ बीजेपी के लोगों ने नाइंसाफी किया है? इस विषय पर हम क्यों कहें, वो तो पारस ऊपर पारस जी ने जानेंगे। नहीं, अब कह रहे हैं जो बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बोलते थे उनको गले लगा लिए हैं, हम लोगों को दूर कर दिए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वही हम लोग बोलेंगे और वही आगे करना करेंगे। आपकी जो दावेदारी होगी कहीं से? मेरी कहीं से कोई दावेदारी नहीं है, हमारे पूरे महागठबंधन के पूरे 400 सीट में दावेदारी है। पर कांग्रेस में पप्पू यादव का विलय हो गया है और पप्पू यादव तरह चुनाव लड़े जाएंगे। ये कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस पार्टी ना उनको जिम्मेवारी लेगा कि हम उनको लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। तो आपने सुना रीतलाल यादव सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं, ये हमारे पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि हम पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़े और हम पाटलिपुत्रा से जीते, इसीलिए हम पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि अभी सीट शेयरिंग पे बात नहीं बनी है तो उन्होंने कहा कि किस पार्टी का अभी तक नाम अनाउंस हुआ है। जब किसी पार्टी का नाम अनाउंस नहीं हुआ है तो फिर ये कहना गलत होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।